अभी इसमें कंप्रेसर चालू हो गया है ऑन, और एजिटेटर भी ऑन हो गया है। ये एजिटेटर ढक्कन उठाए, आप देख सकते हो एजिटेटर चल रहा है। एजिटेटर इसलिए लगा होता है कि जो मिल्क है, अगर कंप्रेसर अगर बंद भी रहता है और मिल्क इसमें स्टोर करके आप रखते हैं, एक बार अगर ठंडा कर दिया आपने फुल करके, तो इसमें जो मिल्क है कंप्रेसर अगर बंद हो जाता है तो एजिटेटर चलता है, उसको 5 मिनट में वो घुमाता रहता है, 5-5 मिनट में। क्योंकि उससे क्या होता है, जो मिल्क है उसका वाटर और फैट अलग नहीं होता, सेम वैसे ही रहता है जिस तरह से आप डालते हो। अगर एजिटेटर नहीं चलता है, अगर नहीं चलाते हैं और सिर्फ ठंडा करते हैं, तो वाटर अलग हो जाएगा और फैट अलग हो जाएगा, तो ये दूध में होना नहीं चाहिए। ये मिल्क की पूरी सेफ्टी रखता है और ठंडा करके रखता है इसको। अब इसमें आप इसका जो कूलिंग टाइम है, अप्रोक्स 3 से 3.5 घंटे का टाइम है ये, अगर फुल होता है तो 32 डिग्री से 4 डिग्री करने का टाइम, और करीब 3 से 3.5 घंटे का पूरा ऑटोमेटिक कंट्रोल पैनल है। इससे आपका कंप्रेसर पूरा सेफ रहेगा। अगर पावर कम ज़्यादा होती है, विलेज एरिया में ऐसा ही होता है, कभी कम आती है कभी हाई वोल्टेज आ जाता है, तो इससे ये कंट्रोल रहेगा, आपका जो कंप्रेसर है वो ख़राब नहीं होगा। क्या क्या बोलना है? बल्क मिल्क कूलर, मिल्क कूलिंग टैंक 500 लीटर, टेक्नोमोंट से बना हुआ है। पूरा SS304 ग्रेड में बना है। इसका ऑटोमेटिक कंट्रोल पैनल है। इसको भी हम आपको चला के दिखाएंगे। पूरा कंट्रोल पैनल इसका ऑटोमेटिक है। इसमें अगर पावर ज़्यादा भी आती है तब भी ये नहीं चलेगा, और अगर कम आती है तब भी नहीं चलेगा। 230 वोल्ट चाहिए। इसको हम चला के दिखाएंगे। ये स्टार्ट के लिए, ये स्टार्ट बटन से चला दिया, अभी इसमें नाम आ रहा है, पूरा सिस्टम आ रहा है। अब ये 3 मिनट में चालू होएगा ऑटोमेटिकली। इसमें ऑटोमेटिकली और मैनुअल दोनों ऑप्शन है। इसमें टेम्परेचर दिखा रहा है अभी 20, और इसमें अभी सेट है 4 डिग्री पे, जो 4 डिग्री पे ये बंद हो जाएगा ठंडा करने के बाद। अगर 6 डिग्री होता है तो ये ऑन हो जाएगा, और 6 डिग्री से ऑन करके अपने यहाँ पर ये ठंडा करे 4 डिग्री पर ला के फिर ऑफ हो जाएगा। अभी ये ऑटो पे है तो 3 मिनट बाद चालू होएगा। इसमें वोल्ट दिखा रहा है कितना आ रहा है, 246 दिखा रहा है अभी। एम्पियर अभी 0.0 है, अभी स्टार्ट होएगा तो एम्पियर बताएगा। अब ये कंप्रेसर का ये सेकंड चल रहा है यहाँ पे नीचे, अब वो सेकंड 0 होते ही ऑन हो जाएगा। अभी एजिटेटर दिखा रहा है, एजी लिखा हुआ है, एजिटेटर है ये, जो इसको कहते हैं, ये एजिटेटर जिसके अंदर फैन है वो ऑन होएगा। अभी ऑफ दिखा रहा है। ये लॉक केबल है, इसको हम खोल सकते हैं। इसका ढक्कन भी हमने इंसुलेटेड दिया हुआ है, थोड़ा सा हैवी ढक्कन है, इसको इस तरह से हम लॉक फंसा देते हैं और मैनुअली। ये ढक्कन भी इसका इंसुलेटेड है, पफ इंसुलेशन। ये टैंक है,
ये डायरेक्ट डिम्पल प्लेट लगा हुआ है, डिम्पल प्लेट से कूलिंग होती है, कोई कॉपर की कॉइल नहीं है। ये इसका रेजिरेटर है जो दूध को घुमाता है, और इसमें आपका जो मिल्क है, अगर आप कच्चा मिल्क डालते हो, रॉ मिल्क होता है विदाउट पैस्चराइज, तो इसमें आप 4 से 5 दिन तक मिल्क इसमें रख सकते हो, आपका दूध ख़राब नहीं होगा इसमें। और अगर आप पैस्चराइज करके डालते हो तो 10 से 15 दिन तक दूध ख़राब नहीं होगा इसके अंदर, ये मेंटेन करके रखता है मिल्क को। बंद करो। फाइव हंड्रेड लीटर कैपेसिटी में है ये, इसी रेंज में 200 लीटर, 300 लीटर, 500 लीटर, उसके बाद और भी मैक्स आते हैं। अब ये चालू होने वाला है, अभी मार ये। इसमें अभी कंप्रेसर चालू हो गया है, फैन इसका चल गया है।